फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स नमस्कार, आप लोग कैसे हो? तो मैं अपना किचन का सारा काम कर ख़त्म करने के बाद मैं अपने घर में थोड़ा साफ सफाई करने आ गई। बेड के चारों साइड में हर रोज़ थोड़ा गर्दा जमा हो जाता है, तो थोड़ा डस्टिंग करना पड़ता है फ्रेंड्स। और क्या बोलूँ आप लोगों से, थोड़ा सा डस्टिंग कर देने से वो सब ना गंदगी साफ हो जाता है। पानी से तो पोछ नहीं सकते हैं इसको। और फ्रेंड्स, आप लोगों से बता दूँ कि आज की दुनिया में किसी का कोई हेल्प ना करे वही अच्छा रहता है। पता है क्या हो, एक आदमी की बात है कि वो ना, एक मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको वो उनके घर में एक टीचर आती थी, तो वो ना उसका रिलेशन वाला कोई उसको पैसा देना नहीं चाहता था। ओके, तो वो ना उस मैडम को बोली कि प्लीज़ आप मुझे हेल्प करो ना, प्लीज़ हेल्प करो, मुझे पैसों की ज़रूरत है पैसों की। तो बेचारी वो उसका मतलब बहुत ऐसे बना रही थी, तो उनको दया आ गया, तो वो पैसा उनको दे के उसका हेल्प कर दी। लेकिन पता है फ्रेंड्स, वो बोली 2 महीना में हम लौटा कर दे देंगे। फिर वो 2 महीना तो क्या, वो 1 साल हो गया पैसा का वो लौटा कर नहीं दे रही थी। लास्ट में दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया। जब वो पैसा मांगती थी तो वो पैसा के लिए वो उल्टा पुल्टा बकती थी, कहती थी कि पुलिस से पकड़वा देंगे, ये वो बहुत सारा बात बोला करती थी। तो जो पैसा दी थी उसको बहुत बुरा लगता था, जैसे मैं ही थी, मैं ही देने वाली थी, दूसरे का नाम क्या बोलूँ। तो मैं मतलब बहुत हमको बुरा लगता था। पता है वो पैसा लेने के लिए मेरे सामने इतना रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन जब मेरे से बात ना करके वो मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कहा करती थी कि पैसा अभी नहीं दूंगी, तो मुझे इतना रोना आता था कि मैं 2 रुपये जमा करके रखी थी। हम लोग भी तो इतना बड़े आदमी नहीं हैं कि कहाँ से पैसा लाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके जमा रखते हैं। तो वो ना पैसा बहुत मतलब परेशान कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। हमको पैसा का जरूरत था फ्रेंड्स। बीच में बहुत बहुत मुसीबत आया। टीवी मेरा टूट गया, मेरा दोनों लड़का खेल रहा था, टीवी में मार दिया तो टीवी टूट गया, समझे। तो उसके बाद क्या हुआ कि क्या बताऊँ आप लोगों से, मुसीबत पर मुसीबत आ रहा था। ऊपर से घर में तो सबका तबीयत वबीयत ख़राब तो रहता ही है, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ बहुत ज़्यादा। लेकिन क्यों, वो क्या बोलती थी कि आप मुझे पैसा दिए हैं, क्या उसी से पैसा से आपका सब दिन चला जाएगा? तो परेशान हो गए थे। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि आज के बाद कान छू लो कि कोई भी इंसान तुम्हारे सामने चाहे जितना भी रो, तुम एक बार भी उसको नहीं बोलना, नहीं गिड़गिड़ाए चाहे कुछ भी करे, कोई ज़रूरत नहीं हेल्प करने का, कि देखो हेल्प करने का परिणाम क्या मिला। तो हमको सीख मिला। मेरी फ्रेंड उसी में अपना ब्यूटी पार्लर ओपन करने वाली थी, तो वो हमको फ़ोन करके बोली कुछ पैसा का मदद कर दो, हम तुमको ये ऐसे करके दे देंगे। हम कैसे देते बताओ, हमको तो एक बार धोखा मिल चुका था। जब जब छाछ दूध से मुँह जलता है तो आदमी छाछ को भी फूक फूक के पीता है फ्रेंड्स। तो मैं मुझे यही सीख मिला इस चीज़ से कि कभी किसी का मतलब क्या बताऊँ हेल्प नहीं, उस हमको क्या पता था जब वो मुझे इतना परेशान कर देगी, पैसा देने का नाम नहीं लेगी। तो हम बहुत परेशान हो गए थे, बताएं, मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था फ्रेंड्स। क्या बताएं आप लोगों से, हम एकदम से लग रहा था जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। इतना मुसीबत का घड़ी आ गया था मेरे ऊपर कि मत पूछो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गए थे हम तो। और बताइए आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स। मेरा घर में गंद डस्टिंग हर रोज़ हम, तो क्या बताएं फ्रेंड्स, यही क्या मुझे जब मुझे धोखा मिला तो मुझे जाके सीख मिला कि नहीं, कभी किसी का हेल्प नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हो कि मैं सारे घर में क्लीनिंग कर ली हूँ, अब आ गई हूँ बेडरूम में। और बताओ आप लोग, मैं देख लो मैं सब जगह का क्लीनिंग कर ली हूँ, अब मैं हॉल में कर रही हूँ क्लीनिंग, ठीक है। और
मतलब क्या बताऊं आप लोगों से, बहुत डस्ट है, बहुत ज्यादा डस्ट है सब। हाँ, दस्ट इतना डस्ट है कि मत पूछो, अगर सफाई करने जाए ना तो सारा दिन लग जाएगा। फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों से जो बता रही थी, आप लोग गौर करना कि देखो हेल्प किसका करता है, जो आदमी समय पे उसको याद रखता है। ठीक है, मैं तो बहुतों को मदद करने की कोशिश करी, मेरे पास खुद ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं तब भी चाहती हूँ कि मैं दूसरों को मदद करूँ। ठीक है, तो अगला को समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूँगी, आप लोग बताओ। यही हम सोचते हैं कि पता नहीं कितने प्रकार का इंसान है दुनिया में, कि सच में हम तो एकदम तंग ही आ गए थे। बताएं बोलो आप लोग, तो क्या बताएं आपसे, मेरा घर में बहुत ये सामान सब इधर उधर हो चुका है, सब हमको ठीक करना है। इसमें और देखो कि सबको ठीक करना पड़ेगा एकदम से। सोफा है, एक्स्ट्रा सोफा है, इसको बेचना है क्योंकि ये पुराना हो चुका है। फ्रेंड्स, ये मेरा बालकनी है, बालकनी का शीशा है, इसको साफ कर रही हूँ मैं। क्या करूँ बताओ, इसमें इतना डस्ट जम जाता है, इतना डस्ट जम जाता है कि मत पूछो आप लोग। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा वीडियो देखना, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, फॉलो करना मेरे चैनल को, और फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को। मेरे यूट्यूब वाले भैया जी, आप भी मेरे चैनल को सपोर्ट करो, और आप लोग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, और मेरा ये फाइनली मेरा फ्रिज में डस्ट कर दी हूँ, और आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि क्या बोलूँ, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा ही पछताती हूँ किसी को हेल्प करके। मुझे मुसीबत में कोई नहीं साथ देने वाला, हमको पता है, खाली मैं सबका हेल्प करती हूँ। तो इसलिए हम भी अब सचेत हो गए हैं कि ना दो टाइम खाना खिला देंगे, लेकिन जरूरत के समय पैसा वैसा के मामले में किसी का हेल्प नहीं करना है। और आप लोग कैसे हैं ये बताइए। फ्रेंड्स, मैं तो एकदम अच्छे से हूँ, आप लोग भी अच्छे से रहना। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।